हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस करेंगे, जो कि 24 दिसंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। तो बच्चों, इसके साथ ही कक्षा 6 और कक्षा 8 की भी हिंदी विषय की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है और आपके कक्षा अध्यापक का भी यहाँ पे नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया था, उसके विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ से लिए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जानें कि हमने क्या सीखा। तो हमने पिछले वर्कशीट में ही पढ़ लिया था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने आश्रम बनाने का सोचा था और उसका अनुमानित व्यय लगाया था, यानी जो उसका खर्च आएगा उसका उन्होंने एक अनुमान लगाया था। तो आज इस पार्ट में हम उसी का विवरण पढ़ेंगे, उसी के बारे में हमें बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपए आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। तो यहाँ पे गांधी जी बता रहे हैं कि कुल खर्च 5 रुपए आएगा और रसोई का जो सामान है, जो आवश्यक सामान है, उसके लिए 150 रुपए तक का खर्च आएगा। और स्टेशन दूर होगा तो वहां से जो मेहमान आएंगे आश्रम तक, उनको लाने के लिए बैलगाड़ी भी चाहिए होगी। और उन्होंने फिर खाने का खर्च क्या लगाया है, 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति, यानी हर महीने का एक व्यक्ति के लिए 10 रुपए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनके हिसाब से यह खर्च पहले वर्ष में नहीं निकल पाएगा। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपए आएगा, यानी एक वर्ष में अगर 50 लोग का उन्होंने अनुमान लगाया था, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा, तो 50 लोगों के हिसाब से अगर हम जोड़े और अनुमान लगाए तो एवरेज में 6,000 रुपए खर्च आएगा। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने का खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदे मुझसे छूट गई हो। इससे अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूले भी हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि यदि अहमदाबाद खर्चा उठाता है तो वे ऊपर दिए गए सारे खर्च उठा लेंगे। तो उनके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि अहमदाबाद को या तो 1 वर्ष या से कुछ कम दिनों का खर्च उठाना चाहिए। तो अगर यह खर्च 1 वर्ष का अगर अहमदाबाद खर्च उठा लेगा, तो ऊपर जिन्होंने बताया है जो खर्च जो इन्होंने गिनवाए थे, खाने का, रसोई का, ये सब खर्च वो उठा सकते हैं। और उन्होंने इसमें ये भी कहा है इस अनुमान में कि हो सकता है उनसे कुछ भूल हो गई हो, क्योंकि उन्हें हर चीज की जानकारी तो है नहीं, उन्होंने जल्दी जल्दी में अनुमान तैयार किया है। तो अगर उनसे हो सकता है कुछ छूट गया हो, कुछ लिखना रह गया हो, और ऊपर से उन्हें वहां की जो स्थिति है, जो जिस जगह में वो रह रहे हैं, जहाँ आश्रम बना रहे हैं, वहां में क्या स्थिति है उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि उनसे यह अनुमान लगाने में कुछ कुछ भूल भी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे अब। प्रश्न एक है, यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो मैं का किसके लिए हुआ है? महात्मा गांधी, क्योंकि हम वर्कशीट में ही हम पढ़ रहे हैं कि महात्मा गांधी ने आश्रम अहमदाबाद में जो आश्रम निर्माण करने का तय किया था, क्योंकि हमने वर्कशीट में ही पढ़ा था कि गांधी जी ने अहमदाबाद में जो आश्रम बनाने का जो तय किया था, हम उसका अनुमानित व्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? महात्मा गांधी के लिए। नेक्स्ट, स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? तो स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा है अभी गद्यांश में। लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। ये सारे आंसर्स बच्चों आपको गद्यांश में ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, मेरे अनुमान में भूले भी हो सकती है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदे लेखक से
छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा लेखक को स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए लेखक के अनुमान में भूले भी हो सकते। तो ये अभी हमने पढ़ा था कि उन्होंने, गांधी जी ने बहुत जल्दी जल्दी ये तैयार किया अनुमान, और हो सकता है कि जल्दी में कुछ चीजें छूट गई हो और ऊपर से खाने के खर्च के अलावा उनको और किसी चीज की जानकारी नहीं थी, जो वहां की स्थानीय स्थितियां उसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए लेखक ने कहा कि मुझसे भूले हो सकती है। गतिविधि है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं अपने लिए गुड़िया बनाना सीखना चाहती थी, गुड़िया के कपड़े बनाना सीखना चाहती थी, मैं पेड़ पर चढ़ना सीखना चाहती थी, लेकिन वह मैं नहीं सीख पाई। तो बच्चों, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप भी ऐसा कुछ चीजें होंगी जो आप बचपन में आप करना चाहते थे या सीखना चाहते थे, लेकिन आप सीख नहीं पाए। तो वो चीज जो भी आपके बचपन में रह गई हो या आप नहीं सीख पाए, वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, उन कामों की आपको सूची बनानी है। तो ये आप अपने अनुसार भी ये बना सकते हैं, नहीं तो आप सेम आंसर को कॉपी कर सकते हैं। तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी डाउट आता है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।